दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे एक और नए वीडियो में। आज हम आपको बताने वाले हैं कि हमारी जो दो गायें हैं, यानी कि एक वो वाली और एक ये वाली, तो इन दोनों गायों को हमने काफ़ी दिनों से सारी गायें जो हैं उनसे अलग रख रखा है। आप देख सकते हैं सारी गायें अलग हैं और ये दोनों गायें अलग हैं। तो क्या इसका कारण है, कौन सी बीमारी हमारी इन दोनों गायों को हो चुकी थी जिसकी वजह से हमने इन दोनों पशुओं को अलग रख रखा है ताकि जो दूसरे पशु हैं उनमें कोई इन्फेक्शन ना फैले। तो इन दोनों को हो चुका था जो FMD जिसे कहते हैं, यानी कि साधारण भाषा में कहें तो खुरपका मुँहपका, यानी कि मुँह के अंदर छाले हो जाते हैं और जो खुर हैं खुर के बीच में कीड़े लग जाते हैं। खुर काफ़ी नाजुक हो जाते हैं, उनको चलने में दिक्कत आती है और फीड खाने में काफ़ी समस्या होती है। तो यह जो बीमारी है इसमें दोनों गाय के जो खुर हैं उसमें कहीं ना कहीं इन्फेक्शन हो गया था। खुर में छाले हो चुके थे और जो मुंह है उसमें भी छाले हो चुके थे और मुंह में जो लार हैं वह गिर रही थी काफ़ी बुरी तरीके से कह सकते हैं। तो इस समस्या के चलते इन दोनों को हमने अलग रखा था। तो जो डॉक्टर हैं उनके ट्रीटमेंट से यह दोनों सही हो चुकी हैं और कहीं ना कहीं डॉक्टर के ट्रीटमेंट के अलावा भी हमने क्या इनका उपचार किया है तो वह मैं आपको डिटेल से बता देता हूँ कि सबसे पहले तो हमें ये जब पता लगा कि ये दोनों गाय इन्फेक्टेड हैं कहीं ना कहीं FMD की बीमारी से, तो इन दोनों गाय को हमने प्राथमिकता से अलग रख दिया था सारे पशुओं से। उसके बाद में हमने जो फार्म है उसके फर्श पर पोटेशियम परमैंगनेट का जो छिड़काव है, पानी का जो छिड़काव है, लगातार 8 से 10 दिन तक करते रहें और कहीं ना कहीं सारे पशुओं के जो खुर हैं उसको भी पोटेशियम परमैंगनेट से धोते रहे हैं और कहीं ना कहीं जो पशुओं के थन हैं, हमारे जो हाथ हैं, हमारे जो पैर हैं, तो हम हमेशा ही पोटेशियम परमैंगनेट से लगभग 10 दिनों से लगातार साफ़ करते आ रहे हैं, जिससे कि हुआ ये कि हमारी जो दूसरी गाय थी दूसरी गायों में इन्फेक्शन नहीं फैला है और ये दोनों गाय अभी स्वस्थ हो चुकी हैं। कहीं ना कहीं एक गाय तो मिल्किंग पर भी आ चुकी हैं, परंतु एक गाय थोड़ी सी मिल्किंग कम कर रही हैं, तो धीरे धीरे बढ़ना चालू हो गया है और वापस से उसी लेवल पर आ जाएगी। तो यह हमने किया था कि सारे पशुओं का जो पोटेशियम परमैंगनेट का उपयोग हमने लगातार 10 दिनों तक करते रहे हैं और हम हमेशा ही जो थन की जो सफाई है, थन की जो धुलाई है, वह पोटेशियम परमैंगनेट से करते हैं, जिससे कि थनेला रोग नहीं होता है, कहीं सारे बैक्टीरिया मर जाते हैं और बैक्टीरिया इन्फेक्टेड इन्फेक्शन फैलने का खतरा नहीं रहता है। तो इस बीमारी के चलते दोनों पशुओं के थन पर छाले हो चुके थे, तो थन के जो सूर होते हैं यानी कि जहाँ से दूध निकलता है, तो वहाँ छाले होने की वजह से छाले जब सही होना चालू हुए तो दूध आना बंद हो चुका था और कहीं ना कहीं इन दोनों को थनेला भी हो चुका था। तो थनेला के चलते ये दूध निकालने में काफ़ी समस्या कर रही थी, तो अभी धीरे धीरे हमने थनेला का भी ट्रीटमेंट किया है और सारे पशु सही हो चुके हैं और दोनों में इन्फेक्शन बिल्कुल भी नहीं रहा है। तो आप देख सकते हैं दोनों पशु जुगाली कर रहे हैं अच्छे से। तो कहीं ना कहीं बेटर ट्रीटमेंट, बेटर डॉक्टर के ट्रीटमेंट के अलावा भी आपको कहीं सारी ऐसी चीज़ें हैं जो ध्यान रखना होगी कि इन्फेक्शन ना फैले, बीमार पशुओं को अलग रखें। तो कहीं ना कहीं ये सारी सावधानियां रखने से हमारे सारे पशु इन्फेक्टेड नहीं हुए हैं और यदि हम यह सावधानियां नहीं रखते हैं और इन दोनों पशुओं को भी सारे पशुओं के साथ यदि रखते और जो पानी है सारे पशु जहाँ पीते हैं वहीं पिलाते, तो हो सकता हो सारे पशु इन्फेक्टेड हो जाते हैं और कहीं ना कहीं सारे पशु में बीमारी फैल जाती है। तो फार्म पर काफ़ी समस्या हो जाती हैं और हमें मैनेजमेंट करने में काफ़ी दिक्कत आती है और हम परेशान हो सकते थे, पर थोड़ी सी सूझबूझ के द्वारा, यानी कि पानी में चूना डालना जिससे कैल्शियम मुँह के जो इन्फेक्शन है वह ख़त्म हो जाता है और कहीं ना कहीं पोटेशियम परमैंगनेट से जो फर्श है वहाँ का इन्फेक्शन, पशुओं के मुँह में पोटेशियम परमैंगनेट से सफाई करी हमने छालों पर और जो खुर हैं वहाँ पर पोटेशियम परमैंगनेट यूज़ किया है, तो इसी प्रकार से जो इन्फेक्शन है वह नहीं फैला और इन दोनों गाय तक सीमित रह चुका था। और जैसे ही बीमारी का हमें पता लगा, जैसे ही यानी कि अभी हुआ है सवेरे, तो हमने जस्ट ट्रीटमेंट शुरू कर दिया था, तो दोनों पशु जल्दी स्वस्थ हो चुके थे। उसके अलावा भी हमने क्या किया है, तो जो पशु हैं उनको थनेला हो चुका था तो विटामिन एच हम दे रहे हैं, मल्टी स्टार एच इसे कहते हैं,
तो इसकी जो डोज हैं वह 10 ml पर डे होती हैं बड़ी गाय के लिए। उसके साथ में जो ब्रोटोन है, ब्रोटोन यानी कि लीवर टॉनिक हम पशुओं को दे रहे हैं। उसके साथ में जो कैल्शियम है आप देख सकते हैं, तो यह वाला कैल्शियम भी हम इन दोनों पशुओं को लगातार कंटिन्यू दे रहे हैं। उसके साथ में आपको बता दूं कि जो वाइमेराल हैं, वाइमेराल भी हम इन्हें दे रहे हैं, जिससे कि जो मिल्किंग है वह सही हो जाएगी। जो पशुओं के सूर बंद हो गए थे थन के, तो वह चालू हो जाएंगे। तो इसी प्रकार से हो सकता हो कि आपके फार्म पर भी कहीं सारे इन्फेक्शन फैलने का खतरा बना रहे, इससे बेटर है कि आप पोटेशियम परमैंगनेट का यूज़ करें। कुछ ऐसी रासायनिक दवाई भी आती हैं जिसके छिड़काव से फर्श पर जो कीट हैं वह नहीं लगते हैं, और कहीं बार जो चीचड़ जू होते हैं तो वह भी यदि फर्श साफ सफाई में अच्छा है और कहीं ना कहीं जो फर्श है उस पर कीटाणु नहीं है, तो काफ़ी राहत आपके पशुओं को मिलेगी और इन्फेक्शन नहीं फैलेगा। तो अभी जो बीमारी चल रही है, तो FMD काफ़ी इसमें पशु एक्सपायर नहीं होते हैं, परंतु जो FMD से पशु का जो लैक्टेशन है पूरा ख़राब हो सकता है यदि आपकी सूझबूझ और सही ट्रीटमेंट पशुओं को नहीं मिल सके। तो इसी प्रकार से हमारे फार्म पर दोनों गायें बीमार हो चुकी थी, तो वापस से सही हो गई हैं और जुगाली भी अच्छे से कर रही हैं, मिल्किंग भी करना चालू कर दी हैं, और थनेला जैसे ही हुआ था तो हमने थनेला का भी ट्रीटमेंट किया है, मस्टाफास्ट, मस्टी वॉक और जो अडरवेट टेबलेट हैं, तो कई सारे ट्रीटमेंट हमने किए थे। उसके बाद में सारे पशु सही हो चुके हैं और बाकी सारे पशु की भी हालत काफ़ी अच्छी है, और एक पशु वापस से हमने एक और ड्राई कर दिया है। तो इसी प्रकार से दो हमारे पास गाय ड्राई हो चुकी हैं, एक जनने वाली है बहुत जल्द। मैं आपको एक छोटा सा वीडियो बताता हूँ कि आप देखिएगा कि किस क्वालिटी की यह गाय है और कैसी आपको शाइनिंग इसकी लग रही है। तो आप देख सकते हैं यह गाय जो जनने की तैयारी कर रही हैं और अडर भी धीरे धीरे बना रही हैं, फिक्स अडर में थी, और इसकी शाइनिंग, इसकी ब्यूटी आप देख सकते हैं। तो यह शाइनिंग हमारे पशुओं की रहती हैं, और कहीं ना कहीं सारे पशुओं को बिना हरे चारे के भी काफ़ी व्यवस्थित तरीके से हम लोग देखभाल करते हैं। तो आप देख सकते हैं सारे पशु हस्त पुष्ट हैं। और भी अधिक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर, लाइक ज़रूर करिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा, जिससे कि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नई और सही जानकारी के साथ।